सकल पाप संपूर्ण कष्ट दोष निवारणार्थ मम नवीन ग्रह प्रवेश कार्य सिद्धार्थ लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ आयु आरोग्य धन समृद्धि हेतवे वास्तु दोष निवारणार्थ मम भगवान गणपति नवग्रह पंचोंकार षोडश मात्रका वास्तु ग्रह शांति भगवान सत्यनारायण कथा यज्ञ तोभ्यम आम करेशे। गणेश जी का पूजन करो। ओम गणाना इस जल से छीटे दे दो गणेश जी। ओम पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आत्मनियम इष्टानम समर्पयामि सुमेधयामि तांबूलारे पूगी दक्षिणाम समर्पयामि नमस्कारः हाथ जोड़े भगवान जी गणनाथ नमो नमस्तुते शुमगशे जगदंतस्य कपलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विगन्नासो विनायकः दृंगकेतुगणः दक्ष बालचंद्रो गजानना द्वादशतान नामानि यापणे सुनियादपे विद्यारंभे विभाय च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम जायते नमो नमः भगवान नवग्रह भगवान का पूजन करो। थोड़े बाएं हाथ में चार रखो, उल्टे हमें सीधे हाथ से थोड़ा अपने चार हरि ओम महा ओम आ चढ़ाइए। ओम चंद्रवसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम भृगवे नमः। ओम सर्वे नमः। भगवान को दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिभुवनांतकारे भानु शशि भो विशतो बुधस्य गुरो शुक्र सनराव केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कारम समर्पयामि कांडात कांडात पर्वते परशुश्री देवता नमस्कारम समर्पयामि। नपुल्ले की चढ़ा दीजिए। सुगंधिम पुष्पम समर्पयामि धूपाग्रहाप्यामि दीपम दर्शयामि नैवेद्य मिष्टान्नम समर्पयामि नमो नमः नैवेद्युक्त मिष्टान्नम समर्पयामि मुकुक्लामि च नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलानि यत्फलानि सर्वदक्षां देवतानां नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः फलम दक्षिणा चढ़ा दिए। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। हरि ओम महत्रे विष्णु 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 रणाटमसि विष्णु स्तत्रेस्तु विष्णु सूरसि विष्णु द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णु देवता श्री सत्यनारायण भगवान आभ्यामि स्थापयामि नमो नमः जल से छीटे दीजिए। भगवान ओम रुद्राय नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वते नमः श्री वास्तुपुरुषाय पंचोंकारस्य देवतां नमस्कारं समर्पयामि ज्योतिर्युगतां माजश्यां यज्ञमिवं तनोतरिष्टं यज्ञे गुं क्षमिवं ददातु विश्वे देवा संयमादिहंतमू प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा यज्ञ यजंतेन अखंड सौभाग्यवती त्रिवदेवता विश्वरूप शिराते दिव्याय नमो नमः विघ्न ओम दीक्षा दक्षिणा श्रद्धा मापनोति हृदया सत्तमा पते बोलो श्री सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नीम सारण्य तीर्थ वन में सोनक आदि जो आदि 88,000 ऋषि हैं पुराणों के परम पंडित श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे। भगवान से भी ये बात पूछी थी तो भगवान ने नारद जी से कहा हे नारद तुम ध्यानपूर्वक सुनो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है
भगवान का पूजन इसके करने से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ति होती है। पहले अध्याय की भगवान कथा सुनाते हैं। एक सतानंद नाम के विद्वान ब्राह्मण थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा में बड़े प्रेम से जो धन मिलता था उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन भिक्षा में उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई, बड़े दुखी हो गए। एक दिन बीत गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन भी ऐसे निकल गया। इस तरह करते करते पूरे 7 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें भिक्षा में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। नहीं होने से वो बड़े दुखी हो भगवान सत्यनारायण के मंदिर में गए, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कौन से पाप कर्म कर दिए जो मुझे पेट भरने को अन्न भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो भगवान ने उसी समय ब्राह्मण के वचनों की वचन सुने, स्तुति सुनी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी मंदिर के द्वार पर बैठ गए जिस जगह सतानंद ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो भगवान से प्रार्थना करके मंदिर के द्वार पर आए तो सतानंद की दशा देखकर जो भगवान रूप बनाकर आए थे कहने लगे, सतानंद तुम तो बड़े दुखी नजर आए हो, क्या बात है? तो तुम अपने मन की बात कहो। उन्होंने कहा, भैया मुझे 7 दिन से मुझे भिक्षा में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, मैं आज भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कर रहा था उनकी कृपा से कोई मुझे राह मिल जाए। अरे भैया तुझे मैं रास्ता बताता हूँ, तू भगवान सत्य की पूजा करता है लेकिन तू भगवान की कथा सुनेगा तो तेरी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ति हो जाएगी। सारा विधान जाना, मन में संकल्प कर लिया, हे प्रभु आज जो भिक्षा में मुझे धन मिल जाएगा उसी धन से मैं भगवान की कथा और भगवान का पूजन करूँगा। भगवान सत्यनारायण की उस दिन उसके ब्राह्मण पर बड़ी कृपा हुई, उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान की पूजा की सारी सामग्री लाया, अपने घर पहुंचा, अपनी धर्म पत्नी के सहित बैठकर भगवान सत्यनारायण की स्मरण कथा को सुने। इस श्लोक में उन्होंने खूब शुभ भोग में विष्णु लोक को चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान पूजन किया जो सारे संकट आपके दूर हो गए, मुझे भी बता दो जिससे मेरे भी सभी संकट दूर हो जाए। ऐसी इसलिए मैंने भी भगवान का वक्त पूजन किया है। ये भैया तुम भी भगवान की वक्त पूजन कथा सुनोगे तो भगवान सत्यनारायण तुम्हारी भी मनोकामना जो धन आज भगवान की पूजा की सभी मनोकामना पूर्ति होगी जिसे करने भी लगती है। नारायण 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 हरि नारायण नारायण संतान नहीं थी। राजा का नाम था उल्का मुख, उनके घर में संतान नहीं है। भगवान सत्यनारायण संतान के देने वाले हैं, इसलिए मैं इन भगवान का व्रत और पूजन अवश्य कर रहा हूँ। उसके पक्के भी धर्मकाल थे, अब तो उसने पूर्णमासी का व्रत किया। भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से प्रार्थना करें, भगवान तो दयालु है, दोनों माँ बेटी की प्रार्थना स्वीकार करी। राजा चंद्रकेतु को सपने में कहा कि हे राजन, जिन दो वैश्विक रूपों को पकड़ा उन्हें प्रातः कालों से छोड़ देना और जो धन तुमसे लिया उनका धन भी वापस दे देना। राजन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि का सपना देखकर राजा घबरा गया, प्रातः काल मंत्रियों की सभा बुलाई, सपने की बात मंत्रियों के सामने रखी। मंत्री कहने लगे, महाराज बात सत्य है, नहीं तो आपने दोनों चोरों का नाम पूछा नहीं, गांव पूछा, आपने कारागार में बंद कर दिया। अब चलने लगे, भगवान श्री सत्यनारायण ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया और उनकी नौका के पास आकर भिक्षा मांगने लगे। अपने धन संपत्ति से मतवाले कहने लगे, महाराज भिक्षा लेने किसी शहरी कस्बे में चले जाओ, हमारी नौका में तो अब तो दोनों साथ यात्रा ले रहे, तब तो सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कहने लगे, मूर्ख तूने मेरी पूजा से मुख मोड़ लिया। जब भगवान से भला हुआ
भगवान श्री सत्य कृपा से जैसे नगर में जाने लगा तो नगर नौका से बीतने लगा। अपने दूध सुबेया दोनों मावे थी भगवान की कथा की तैयारी करे थी। वो मासी भी पहले समुद्र किनारे जा पहुंची। ये देखकर उसकी बेटी का पति नौका समुद्र मुक्त हो गया। भगवान के अगर ये घर जाकर भगवान श्री सत्य की कथा सुनेगी भगवान पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तुरंत घर गई, बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की, भगवान की कथा सुनी, भगवान का भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया और उसके करने से जैसे आकाश में चंद्रमा उदय होता है वैसी धैया समुद्र से नौका उदय हुई और उसमें उसका पति प्राप्त हो गया। नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि नारायण 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 राधे नारायण नारायण। बोलो श्री सत्य राजेव्याय स्वाहा प्रजापति स्वाहा ओम सर्वे नमः स्वाहा। ओम रावे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। महालक्ष्मी नमः स्वाहा। महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। पञ्चोङ्काराय नमः स्वाहा। गौरे नमः स्वाहा। पद्माय नमः स्वाहा। सच्चै नमः स्वाहा। मेधाय नमः स्वाहा। ज्याय नमः स्वाहा। विजयाय नमः स्वाहा। देवसेनाय नमः स्वाहा। स्वधाय नमः स्वाहा। स्वाहाय नमः स्वाहा। मात्रे नमः स्वाहा। लोक मात्रे नमः स्वाहा। भ्यो नमः स्वाहा। सूर्यादिदेव्याय नमः स्वाहा। ॐ सदा देवताय नमः स्वाहा। ॐ श्री वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुव स्वाहा। तत्सुरनेज्ञं कर्मोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा। तत्सुरनेज्ञं कर्मोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ओम जुम सा भूर्भुवस्य त्रंकं यामे सुवन्देन पुष्टवर्धनं पूर्वारम्भेव प्रणामस्तुमोक्षमार्गा शैभ्रभुषेत् स्वाहा। ओम ओम जुम सा भूर्भुवस्य त्रंकं यामे सुवन्देन पुष्टवर्धनं पूर्वारम्भेव प्रणामस्तुमोक्षमार्गा शैभ्रभुषेत् स्वाहा। ओम ओम जुम शैभ्रभुषेत् स्वाहा। ओम ओम जुम सा भूर्भुवस्य स्वाहा। ओम श्री स्थानदेवताय नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवताय नमः स्वाहा। सूर्यादेवताय नमः स्वाहा। नवग्रहादेवताय नमः स्वाहा। सूर्यस्यमात्राय नमः स्वाहा। मन्त्रे सहस्रकोटिदातदेव्याय सर्वरूपस्याते सुमते स्वाहा। इसमें डाल दीजिए आप ये लोग ये चढ़ा दो आप सारा भी नीचे से लेके ऊपर अपनी नहीं पर लगे अपनी हाइट से पर लेते ओम सहस सिर कहा पर कहा सहस पाल सुपे स्वाहा। सर देवता है सब छोड़ दीजिए इधर आगे रुद्रो जायत रुद्रापे स्वाहा। ओम ब्रह्मांडे स्वाहा।
आई तेरी ओम शांति बेटा पीछे हो जाओ थोड़ी देर बेटा आप थोड़े से पीछे आ जाओ दो मिनट के लिए इधर आ जाओ आप बैठ जा बेटा बाकी खड़े रहो आगे भी दो संसार सारम तुझे राम सतम हृदय भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव शर्म मम देवदेव ओ गणिहारे की पीठी सुनो गरीब निवार जो हम भूत कबूत है गुण पिता को लाल नहीं विद्या नहीं भावल नहीं घर चढ़ को तुलसी ऐसे नाच की नाच रखो भगवान और सबको
शुभ समय आने दर्शन देने की दर्शन देने आशीर्वाद देने आशीर्वाद देने ओम बड़े स्वाहा ओम सामयस्य स्वाहा कौन चाहिए।